हेलो एवरीवन, आज का मेरा ब्लॉग जो है कुकिंग ब्लॉग होगा। तो गाइस, आप लोग वीडियो का एंड तक बने रहिए। और हम आज मोमो बनाने जा रहे हैं, वो भी कुछ यूनिक करने जा रहे हैं। ये चिकन, ऑनियन और कैबेज अभी सबको मिक्स करेगा नमक डाल के। अभी इसको मोमो में फिल करेगा। ब्लू कलर होगा, पिंक होगा और ऑरेंज होगा। आज का मोमो पिंक, ब्लू और ऑरेंज। इसको भी कट कर लेगा, सबको कलर अलग अलग करना है। तो अभी एक प्लेट लेके इधर ब्लू कलर हो गया, ये होगा ऑरेंज कलर, थोड़ा सा पिंक लग गया इधर, फिर भी हो जाएगा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर भी हो गया अभी। ये सब कलर बनके तैयार हो गया, अभी इसमें फिल करेगा। इसको थोड़ा इधर रिफाइंड तेल डालेगा, मिक्स करेगा। डम्पलिंग बनाने का टाइम हो गया, तो पिंक से अभी स्टार्ट करेगा। इसको ऐसे छोटा छोटा कट करके इतना साइज का बना लेना है। यहाँ में हम थोड़ा मैदा लिए, रोल करने में आसान होगा। पिंक कलर हो गया अभी, ऑरेंज कलर हो गया अभी, कट करेगा। ऑरेंज भी हो रहा है, ऑरेंज हो गया। सब व्हाइट ही दिखाई दे रहा है, ये ब्लू, ये कलर अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा ना, लेकिन जब पकेगा ना तब पकने के बाद कलर क्लियरली दिखाई देगा। एक हम नॉर्मल वाला बनाए, इसमें कुछ भी कलर नहीं डाला है। अभी इससे शुरू करेगा, फिल कर रहे हैं, फिल करेगा। ये नॉर्मल एक बनाए जिसमें कलर ही नहीं डाला है। इसको हम पहले तेल से ग्रीस किया था, अभी इधर डालेंगे इसमें। मेरा फर्स्ट मोमो है, अभी ब्लू कलर, एक एक चम्मच डालिए। ब्लू कलर है, बाद में पकने का बाद दिखा। अभी ऑरेंज कलर, अभी पिंक, वाह देखो कलरफुल चार्ट ना दिखाई दे रहा है, चार कलर ना हो गया। इसको अभी पकाएगा। ये पक गया अभी, मेरा कलरफुल मोमोस रेडी हो गया। अब ये चटनी के साथ खाएगा। देखिए मेरा मोमोस। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।